हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। यह है चैप्टर 6, विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग के आसपास में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और इस चेंजेस को हम लोग कौन से भाग में डिवाइड कर सकते हैं और इस चेंजेस क्या क्या है, कैसे हो रहा है, चेंजेस में क्या संपर्क है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज मतलब जिस चेंज को तुम लोग, मतलब जो पोजीशन से तुम उस चेंज को कर रहे हो उस पोजीशन में फिर से वापस आ सकते हो, ऐसे चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी को अगर जमाओगे तो बर्फ आएगा, बर्फ को अगर बाहर रखेंगे तो पानी बन जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। रिवर्सिबल चेंज मतलब जिसको तुम पुराने फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हो। सपोज़ खाना बन चुका है, सब्ज़ी पक चुकी है, अब तुम कच्चे सब्ज़ी में उसको वापस नहीं ले आ सकते हो, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज कैसे होता है, हाउ चेंजेस टेक्स प्लेस, चेंजेस कैसे ऑकर होता है, कैसे उसका इनिशिएशन होता है। ये चेंजेस जो कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, मतलब हीट देने से या फिर हीट ले लेने से कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करने से क्या चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग, मतलब कोई भी चीज़ों को जब तुम मिक्स करोगे तो क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे चेंजेस के बारे में, हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ये चेंजेस है क्या। हम लोग जब आसपास में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ जो है वो हम लोग देख पाते हैं। जैसे सूरज उगता है सुबह, फिर डूबता है शाम को, इससे सुबह होती है, रात होती है, फूल खिलते हैं, वेदर चेंज होता है, सुबह गर्मी हो रहा है, शाम को देख रहे हैं बारिश हो रही है। तो फूल जब खिल रहे हैं तो देखते हैं पहले कली था, उसके बाद वो फूल खिल गया है। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें जो पहले हुआ करता था उससे जब उसका परिवर्तन हो जाता है तब हम लोग सोचते हैं कि वो चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चा जब छोटा रहता है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, मतलब उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो चेंजेस एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस हैं जिसको हम लोग नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। नेचुरल चेंजेस मतलब एक ऐसा चेंज जो हम लोगों के आसपास घट रहा है, जो नेचर खुद से कर रहा है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग्स का कोई हाथ नहीं है। मतलब द चेंजेस विच आर ऑकरिंग अराउंड अस विच आर नेचुरल एंड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल आर नोन एज नेचुरल चेंजेस। मतलब ऐसा चेंजेस जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। अगर हम खाना पकाते हैं तो वो इंसान खुद पका रहा है, मतलब इसमें इंसान का हाथ है। लेकिन जब फूल खिलता है उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। इंसान जाके ये नहीं बोलता है कि फूल तुम मत खिलो, आज मूड नहीं है मेरा, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। जब क्लाउड्स फॉर्म होता है, बारिश होने से पहले जो बादल फॉर्म होता है, उस बादल में भी हम लोगों का कोई हाथ नहीं कि कोई इंसान जा गया आसमान में जाके बादल बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो चेंजेस आर कॉज्ड बाय नेचर तो उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल चेंजेस। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ कुंड जिससे रिवर्स निकलते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर बाय नेचर, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल चेंजेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज का क्या डेफिनेशन है पहले हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए। अ रिवर्सिबल चेंज इज़ अ फिजिकल चेंज दैट कैन बी अनडन। फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ बाहर की चीज़ों का चेंज होता है, अंदर का केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कोई भी मटेरियल बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर रहता है। अब तुम लोग छोटे हो इसलिए मैं तुम लोगों को ईजी शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें बहुत सारे केमिकल से वो एक चीज़ बना होता है। अब जब फिजिकल चेंज होता है तो वो सिर्फ अपना आकार को बदलता है, अपना शेप को, साइज को, फॉर्म को,
स्ट्रक्चर को बदल सकता है, लेकिन वो जो चीज़ पहले था वो चीज़ वही रहता है, उसका अपना जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कभी चेंज नहीं होता है, जैसे और मैं आगे बताऊंगी तो क्लियर होगा। अ फाइनल सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू मटेरियल। मतलब जो सब्सटेंस मैं चेंज करने के बाद क्रिएट की हूँ वही सब्सटेंस को मैं दोबारा बना सकती हूँ कोई भी नया चीज़ ना बनाए हुए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे पानी है, सबके घर में फ्रिज है, लगभग हम लोग सब ठंडा पानी इस गर्मी में पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो पानी जब हम लोग फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? आइस क्यूब्स। लेकिन पानी सिर्फ अपना रूप बदल रहा है, पानी अपना रूप बदल के बर्फ बन रहा है, लेकिन पानी क्या अपना खुद का आइडेंटिटी चेंज कर रहा है? अपना खुद का केमिकल, मतलब पानी बर्फ बन रहा है, पानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अब उसी बर्फ को अगर मैं, मुझे पानी फिर से बनाना है, उसको थोड़ा गर्मी में रख देंगे तो देखेंगे कि वो पानी बन गया है। इसका मतलब एक ऐसा चेंज जिसको तुम फिर से उसी अवस्था में ले आ सकते हो, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या क्या है देखो, यहाँ पे चॉकलेट है, चॉकलेट को जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो पूरा एकदम जम के रहता है, अब बाहर जब लाते हैं इतना गर्मी में वो क्या हो जाए, गल जाता है। लेकिन चॉकलेट का टेस्ट तुम जब खा के देखते हो तो वो डेरी मिल्क अचानक इमली बन जाता है क्या? नहीं बन जाता है, उस वो अपना फॉर्म, अपना वो अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, फॉर्म चेंज करता है, फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज होता है, लेकिन वो अपने अंदर जो उसका प्रॉपर्टीज था, उसका टेस्ट था, चॉकलेट जिस पदार्थ से बना था वो कभी चेंज नहीं होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस एज वेल एज रिवर्सिबल चेंजेस। एग्जांपल क्या है? फ्रीजिंग, बर्फ बनाना, मेल्टिंग, बर्फ को गला के पानी बनाना, डिजॉल्विंग, मतलब कोई भी, जैसे मैं नमक को डिजॉल्व की थी पानी में, फिर इवेपोरेशन कर दी तो पानी चला गया, नमक रह गया, मतलब नमक और पानी अपना आइडेंटिटी बरकरार रखे हैं। इवापोरेटिंग मैं बोली ऑलरेडी, कंडेंसिंग वही, जब एक ग्लास ठंडा पानी को तुम बाहर रखोगे तो पानी के ग्लास के बाहर बूंदे आ जाती है पानी के, सो वो भी एक टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर? एग्जाम्पल और रिवर्सिबल चेंजेस क्या है? रबर बैंड को स्ट्रेच करना, ये एक रबर बैंड है, ठीक है। अब इस रबर बैंड को मैं जब स्ट्रेच कर रही हूँ तो वो लंबा हो जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको छोड़ दे रही हूँ तो फिर से वो अपने फॉर्म में ही वापस आ रहा है। इसको खींच रही हूँ तो वो लंबा हो जा रहा है, फिर जब मैं उसको ला रही हूँ वो फिर से अपने ही फॉर्म में वापस आ जा रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे लाइट है, ये लाइट जब जल रहा है, जब तब वो जल रहा है, जब उसको मैं बंद कर दूँगी तो लाइट तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो चेंज हो रहा है, फिर इस करंट को जब मैं कट ऑफ कर रही तो वह फिर से अपने वापस फॉर्म में आ जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस मैं ऑलरेडी बोली, पानी को उबालना वो भी मैं बोली, पानी हो जा रहा है क्या? वेपर। अब उस वेपर को मैं किसी भी तरीके से अगर कंडेंस कर दूंगी वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बॉइलिंग वाटर के ऊपर अगर तुम एक प्लेट रखोगे तो उस प्लेट को जब हटाओगे तो देखना प्लेट के बॉडी में बूंदे ऑफ वाटर्स है, तो इसका मतलब क्या है? वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।